अभी निकली हूँ मैं यार फ्लाइट के अंदर जाने के लिए, और डिटेल बात करते हैं फ्लाइट के अंदर बैठ के। पीओ कुछ होके आना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। कोई ज़रूरी काम नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी उसको छोड़ के नहीं आती, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और बात करती हूँ मैं फ्लाइट में बैठ के। तो अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ फ्लाइट में और दिल्ली जाके बात करते हैं कि और जल्दी यहाँ पे बस फ्लाइट पकड़ना था, तो मैं जल्दी यहाँ पे आ गई और फ्लाइट के अंदर बैठ के बस फटाक से उड़ के मैं दिल्ली आ गई हूँ। अब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ही हूँ और यहाँ से फिर मुझे देहरादून के लिए फ़्लाइट लेनी है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं भी जा रही हूँ देहरादून, कुछ बहुत ज़रूरी काम है इसलिए पीओ को छोड़ना पड़ा, नहीं तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं था कि उसको छोड़ के मैं कहीं जाऊँ। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा दिल्ली में 2 घंटे का स्टे है, उसके बाद फिर मैं देहरादून के लिए निकलूँगी। क्या ज़रूरी काम है, क्यों जा रही हूँ पीओ को इतने दिनों के लिए छोड़ के, वो सारा कुछ मैं बताऊँगी आपको डिटेल, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी फ़िलहाल मूड थोड़ा ऑफ है, भूख भी लगी है, तो चलिए पेट पूजा भी कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 2 घंटे अगर रुके हैं तो, और खा पी के फिर बात करते हैं। एंड राइट नाउ मैं अभी फूड लॉन्च पे हूँ दिल्ली के, और यहीं से मेरी फ्लाइट है 2 बजे की। जब भी किसी बच्चे को देख रही हूँ या अच्छा ही नहीं लग रहा उसके बिना कुछ भी। देहरादून में भाई है, उसको लेके फिर कहीं और जाना है, देहरादून में ही जाना। तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितने दिनों के लिए जा रही हूँ, सारा डिटेल मैं जल्दी शेयर करूँगी, पहले पहुँच जाऊँ उसके बाद। तो चलिए इस ब्लॉग में मैं सिर्फ आपको अकेले अकेले दिखूँगी और मेरे आसपास बस क्राउड दिखेगा और कोई नहीं अभी मेरे साथ जगह में, देहरादून से बस भाई साथ होगा। फ्लाइट आई थिंक 15 से 20 मिनट डिले है, तो लोग सब यहीं पे खड़े हैं। फ्लाइट इज डिले 20 मिनट्स मोर। तो फाइनली मैं पहुंच गई देहरादून, और मेरे साथ कौन है कौन है कौन है? भाई मेरा। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, बस यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है और बीच बीच में अपडेट देते रहूँगी और मैं एकदम लास्ट में बताऊँगी कि मैं कहाँ आई हूँ, क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ। Keep the sky on your mind.
करते हैं और यहाँ पे आ गई है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ठंड बढ़ रही थी, रात होने वाला था जल्दी ही और शाम के टाइम पे थोड़ी ठंड यहाँ पे लग रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे का सीन देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे बाहर से लोग आके काफ़ी गंदगी फैलाते हैं और यहाँ के लोकल लोगों के मुंह से सुना हम लोगों ने कि हम लोग बहुत परेशान है बाहर के लोगों से, क्योंकि यहाँ का जो नेचुरल है ब्यूटी जो है ना वो सही में थोड़ी बहुत खतरे में मुझे दिखी। सड़कें इस तरीके से आपको बीच में कहीं कहीं टूटी फूटी नज़र आएंगी, क्योंकि पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ करके सड़कें बनाई गई हैं, तो कहीं कहीं रास्ता वो बंद भी हो जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे तीनों पहाड़ी के बीच से एक पतली सी नदी निकली है जो कि इतनी सुंदर लग रही थी मुझे। मैंने इसको इसलिए कैप्चर किया कि ये अलग ही एक व्यू दिख रहा था कि तीन पर्वतों के बीच से एक नदी निकल रही है, लग रहा था कि वो तीनों को चीरती हुई बाहर जा रही है, वैसा बहुत सुंदर नज़ारा था। और शाम हो रहा था ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। तो ऐसे करते करते हम लोग नीचे से ऊपर पहुँचे वेदा लाइफ, पतंजलि वेदा लाइफ, और फिर आप देख सकते हो आगे मैं बताऊँगी। अभी तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कहाँ पहुंच गए हैं। तो हम लोग पहुंचे हैं पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार। यस, मेरी कुछ मेडिकल कंडीशंस थी तो उसको ठीक करने के लिए आए हैं, और आते ही हमें एक ब्रीफ जानकारी दी गई है कि सुबह 3:30 बजे उठना है और 3:30 बजे से ही सारी क्रियाएँ शुरू हो जाती हैं यहाँ पर। और कल तक मुझे आराम है क्योंकि मुझे डॉक्टर से पहले चेकअप कराना होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है मुझे, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट, उसके अकॉर्डिंग खाने मिलते हैं यहाँ पे। और आज फर्स्ट डे जो मुझे खाना मिला है वो है लौकी की पानी वाली सब्जी, 2 रोटी और करेले का करेले की मिठाई, पहली बार मैंने खाया है। बाप रे, मतलब 10 दिन ये तो टॉर्चर है, काला पानी है, लेकिन कोई बात नहीं, शरीर के लिए इंसान क्या ही लोग क्या क्या नहीं करते। और मैं तो खैर अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के आई हूँ 10 दिन के लिए, तो चलिए देखते हैं 10 दिन में क्या अंतर आता है। मैंने आज का पिक्चर और 10 दिन के बाद का पिक्चर लेके मैं एक साथ लगा के दिखाऊँगी आपको कि क्या अंतर आया शरीर में, चेहरे में, और इंटरनली मुझे कैसा लगा, वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। ये काफ़ी दूर था, काफ़ी दूर वेलनेस सेंटर है ये, मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं कैलाश पर्वत में पहुंच जाऊं वैसा।
और सही में यहाँ पे यहाँ के लोग बोल रहे थे कि हिमालय की जो वेदर जब साफ होता है तो हिमालय की जो चोटी होती है वो दिखती है यहाँ से। इतनी ऊंचाई पर है कि सिर्फ जंगल पहाड़, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये वेलनेस सेंटर्स में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा मेल फीमेल सारे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन हमारे एज के आई थिंक बहुत ही कम थे, मतलब 2-3 लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और भाई तो मेरे साथ आया है और वो कह रहा है कि वो तो फंस गया वही तरीके से, क्योंकि उसको भी वही चीज़ें खाने को मिल रही हैं जो मुझे मिल रही हैं खाने को। तो यही सब है, और कल से फिर सारा जो कर्म है, क्रियाएं हैं, जो भी है ट्रीटमेंट वगैरह कल से स्टार्ट होगा, कल के डॉक्टर के देखने के बाद से। तो अब मैं कल से आपको अपडेट दूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मुझे खुद पे हंसी भी आ रही है कि यार क्या टॉर्चर है ये, मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ता है आदमी को एक शरीर को ठीक करने के लिए। खैर, सबसे पहले निरोगी काया ही होनी चाहिए, उसके बाद कुछ है। तो आई होप मैं जिस व्यू से यहाँ आई हूँ पूरा हो जाए वो मेरा, पूरा ना हो भी तो मतलब एक होता है ना कि एक स्तर पर आके वो रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं यहाँ से 10 दिन की जर्नी, और फिर 10 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे में क्या अंतर आया। तो चलिए मिलती हूँ मैं अब कल मॉर्निंग, और आज से अगर मैं जगूंगी कल से तो मैं अपने पब्लिक को भी जगा के रखूंगी, 4 बजे से आप लोगों को भी वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।